खबर नोएडा के भगेल से है और बेहद ही दिलचस्प है। एक ऐसा परिवार जिसमें एक साथ बेटी के रूप में तीन किलकारियां गूंजी है और ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला है जिसे लेकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल। एक बार में दो बच्चों ने जन्म लिया, ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक माँ के पेट से तीन बच्चे जन्म ले और वो भी तीनों लड़कियाँ, ये अपने आप में अद्भुत है। ऐसे ही पहला केस नोएडा के भंगेल से आया है, जहाँ एक माँ ने तीन बेटियों को जन्म दिया है। डॉक्टरों की माने तो अब तक नोएडा में ये पहला ऐसा केस है। डॉक्टर मीरा के मुताबिक सुबह निशा को लेवर पेन के चलते हॉस्पिटलाइज किया गया, उनकी जाँच की गई और फिर उन्हें भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर बताती हैं कि उम्मीद बहुत कम थी कि ये एक नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, लेकिन फिर भी उनके और उनके सहयोगियों की मदद से इस डिलीवरी को ऑपरेशन से बचा लिया गया। साथ ही उन्होंने अपने यंत्र और तकनीक को भी तैयार रखा ताकि अगर ऑपरेशन की बात आए तो वे सफल हो सकें। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। माँ की कसीम कृपा से नवदुर्गा के पावन दिनों में और महिला सशक्तिकरण के इस दौर में तीनों बेटियों ने जन्म लिया और वो चारों अभी स्वस्थ हैं। हमारे यहाँ पे पहली बार एक ट्रिपलेट्स डिलीवरी का केस आया, ट्रिपलेट्स का केस आया प्रेगनेंसी का। जनरली ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी बहुत रेयर होती है। ये पेशेंट हमारे पास शुरुआत से दिखाता आ रहा है, शुरुआत से सारे सलाह लेता हुआ आ रहा है। हमने इसे एक्चुअली तो सजेरियन की सलाह दी थी, बट आज सुबह वो प्रसव पीड़ा के साथ हमारे पास आया और उसकी कंडीशन देखते हुए हमने उसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखा। बट साथ ही साथ हमने सजेरियन की भी व्यवस्था रखी कि इनकेस कोई कॉम्प्लिकेशन होती, कोई जटिलता होती है तो हम तुरंत सजेरियन कर पाए। थैंकफुली भगवान की दया से, माता रानी की दया से नवरात्रों के तीसरे दिन पे आज हमारे यहाँ पे तीन देवियाँ पधारी हैं नॉर्मल डिलीवरी से और माँ और बच्चे सब स्वस्थ हैं। डॉक्टर यतेंद्र ने भी बताया कि जब निशा सुबह करीब 11 बजे के समय आई तो चेकअप के बाद पता चला कि वो तीन बच्चों को जन्म देने वाली हैं। नॉर्मल डिलीवरी के हालात बहुत कम नजर आ रहे थे, लेकिन हमारी डॉक्टर मीरा व उनकी सहयोगी सिस्टर्स की मदद से ये कोशिश की गई और सफलतापूर्वक नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। हमारे